हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन टू अनदर एक और वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। और GTA San Andreas Definitive Edition Netflix वाले वर्जन के लिए एक बहुत अच्छा चिट्स का हैक लाया हूं अपने फोन के अंदर। GTA San Andreas Definitive Edition के अंदर आप सारे की सारे चिट्स को अप्लाई कर सकते हो बिना टाइप करे। जी हाँ गाइस, बिना टाइप करे आप सारे के सारे चिट्स को अप्लाई कर सकते हो। और वो कैसे आप अप्लाई करोगे, जस्ट एक ऐप से, एक वन एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूं। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट उससे पहले वीडियो को देख लो सो दैट आपको आइडिया हो जाएगी किस तरीके से आपको उसे यूज करना है। और ये चीजें हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहां पे आप देख सकते हो क्या क्या क्लोज स्क्रिप्ट हमें देखने के लिए मिल रही है। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बताता हूं कैसे मैंने क्लोज स्क्रिप्ट को जो है अनेबल किया अपने गेम के अंदर। लेट्स गो। सबसे पहले आपको एपीके को डाउनलोड करना है और एपीके का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जी आप एपीके वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा जो एप्लीकेशन है हमारी। और ये एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमें लोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लोडिंग यहाँ पे होगा थोड़ी देर, हमें थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में एक ऐड आएगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे गाइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक्टिवेट का ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखा है टू यूज़ DE चैट कीबोर्ड, तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है। इफ़ नॉट ऑलरेडी डन, यहाँ पे एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद में ये आपको सेटिंग्स में ले जाएगा और यहाँ से आपको अनेबल कर देना है San Andreas का चैट मोड, जो कि मैं यहाँ पे अनेबल कर चुका हूँ। यहाँ से आप YCT का भी अनेबल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है दिस इज़ अ बेटा वर्जन बेस्ड ऑन GitHub प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से GTA San Andreas का भी ओपन कर सकते हैं, YCT का एंड GTA 3 का भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ओपन अप माय GTA San Andreas Definitive Edition का गेम। मैं यहाँ पे गेम ओपन कर चुका हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप एक्चुअली जो है अपने गेम के अंदर अनेबल करोगे सारी चिट्स को। तो एक बार जैसे गेम ओपन हो जाए, यहाँ पे गेम ओपन होने के बाद मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट करूँगा अपने गेम को पूरा न्यू तरीके से। एंड देन हम सारी चीज़ें देखेंगे कि हमें कैसे क्लो स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे अनेबल किया है। तो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी नाउ कि हमारा गेम एक बार ओपन हो जाने के बाद में, वन सेकेंड, मुझे अपनी सेटिंग्स को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा वरना मेरा गेम लैग करेगा। अब इट्स ओके नाउ अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टू ओपन दी क्लो मोड कीबोर्ड हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस गेम को थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज करेंगे एक बारी के लिए, और हम जो है अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जो हमने इंस्टॉल करी थी। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में अब यहाँ पे आप जैसे बैक जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसको एक्टिवेट के बटन पर जब जैसे ही आप इसको अनेबल करोगे, एक्टिवेट करने के बाद में अब यहाँ पे ओपन करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑप्शंस में, जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में और एंटर चिट कोड के ऑप्शन में जाकर के हम यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे। एंड नाउ गाइस यू कैन सी कि हमारे सामने बहुत सारी चिट्स आ चुकी है। जी हाँ, और ये वाले जो चिट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जैसे यहाँ पे जेट पैक लेना चाहता हूँ तो मैं जेट पैक के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो उसकी चिट है ये लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मैं डन के जैसे बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये ओके के बटन पर क्लिक करूँगा एंड मेरा जो जेट पैक है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा मेरे लिए। मैं अब भी अपने जो है जेट पैक के साथ में खेल सकता हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। और मैं सारे के सारे जो मोड्स है उनको यहाँ पे इसी तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो कि यार एक बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो गाइस अभी ना मैं दूसरी चिट्स को भी यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कैसे यूज़ करता हूँ। मैप में जाता हूँ, ऑप्शंस में जाता हूँ, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में जाके एंड एंट्री चिट कोड पे क्लिक करके यहाँ पे मैं चूज़ करने वाला हूँ लॉक वेंटेड, और लॉक वेंटेड एंड सुपर पंच हम दोनों को एक साथ यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वांटेड का भी चूज़ किया था बट आया नहीं वांटेड का। हम एक बार सुपर पंच देखते, नहीं तो हम दोनों चीट को एक साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हमें एक ही चीट को एक टाइम पे यूज़ करना होगा। और ये करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिर्फ सुपर पंच को मैं चूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं हमारा सुपर पंच यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक पंच मारा लेकिन कुछ हुआ नहीं, एंड हम एक बार और पंच मार के देखते हैं कि मे भी कुछ हो जाए। नहीं, ये कार पे तो काम नहीं कर रहा है। नहीं, नॉट एट ऑल, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। हम एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, अगेन चेट के बटन में क्लिक करेंगे एंड अभी हम सुपर पंच का वापस से यूज़ करेंगे, डन करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे चिट एक्टिवेट आ चुका है। लेट्स सी सुपर पंच होता है कि नहीं होता है। सुपर पंच हो गया। एक बार में हमने मार दिया इसको, नहीं मारा।
ओके हम इस कार को देखते हैं एक बारी। ओ सुपर पंच एक बार काम कर गया, ठीक है। तो हमने एक ही चिट को 2 बार यूज़ किया तब जाके हमारा सुपर पंच यूज़ हुआ है। तो मे बी ये जो है कुछ कुछ चिट में हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये कार में वर्क नहीं करने वाला है। ये अगर आप किसी पर्सन को मारते हो तब ये जाके सुपर पंच काम करने वाला है, ठीक है। हम और भी चिट को यूज़ करेंगे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चिट को यूज़ करने में। और यहाँ पे अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सुपर जंप। और जी हाँ, सुपर जंप में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जी हाँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये सुपर जंप हमने लगा दिया यहाँ पे। एंड अभी हम सुपर जंप के साथ में और भी चिट यूज़ करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे मैं जाऊँगा मैप में जल्दी से जा करके एंटर चिट कोड पे क्लिक करके। एंड अभी मैं यहाँ पे एक अच्छा सा हम चिट देखने वाले हैं जो कि रहेगा व्हीकल का। व्हीकल का हम देखते हैं, हम मतलब एक व्हीकल को हम मंगाने वाले हैं जो कि रहेगा हमारा मॉन्स्टर ट्रक, ठीक है। मॉन्स्टर ट्रक को हम और यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। और हमारे सामने यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा क्विक है। और हमने एक ही एप्लीकेशन से ये चीज़ करी है। तो अब हम यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक को मंगा के एंड उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। और आप यहाँ पे न्यूमरस अमाउंट ऑफ चिट्स को जो यूज़ कर सकते हो, मतलब न्यूमरस तो बहुत ज़्यादा हो गए, बट यहाँ पे जितनी चिट्स आपको देखने के लिए मिल रही है ना, ये सारी की सारी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अपनी गेम के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे मैं और भी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। अभी रुकिए, अभी तो बहुत मज़े लेने वाले हैं हम इस गेम के। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ गर्ल्स मैगनेट। एंड गर्ल्स मैगनेट पर क्लिक करके अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे गर्ल्स आती है कि नहीं आती है। हमारा यहाँ पे जो सीजे है वो यहाँ पे पूरा का पूरा जो छपरी इंसान है वो बन चुका है। अभी हम देखते हैं हमारे पास में गर्ल्स आती है कि नहीं आती है। ऑल दो मेरा अभी गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। आई नो मेरा गेम बहुत लैग कर रहा है, मे बी मेरे गेम में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है इन चिट्स का, ये कुछ कुछ केसेस में हो सकता है। बट मैंने गर्ल्स मैग्नेट का यहाँ पे यूज़ किया है और मेरे पास में कोई गर्ल आ नहीं रही है, इतने बुरे नहीं है यार। ओके, यहाँ पे आ चुकी है गाइज, हमारे पास में गर्ल्स भी आ चुकी है। आप देख सकते हो हमारी जो चिट है वो यहाँ पे काम कर रही है। हमारे पास में जितनी भी गर्ल्स है वो आ चुकी है बिल्कुल एकदम रेडी। तो अभी मुझे लगता है कि ये चिट भी काम कर रही है और ये भी बहुत ज़्यादा फनी आप बोल सकते हो कि एक चिट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली मैं जो है अपनी गन्स की चैट भी लगा सकता हूँ। गन्स की चैट में आप देख सकते हो मेरे साथ में, मेरे पास बहुत सारी गन्स आ चुकी है और इन गन्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिसाइल भी यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये चिट भी यूज़ कर लिया, बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। अभी हम और भी बहुत सारे चिट्स को यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या क्या चिट यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास वेदर है जो कि आई थिंक वेदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और मैं यहाँ पे सनी वेदर करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा वेदर जो है सनी होता है कि नहीं होता है वो हम देखते हैं। अभी मैं ना मॉर्निंग करना चाहता हूँ। मॉर्निंग के लिए वॉट आई हैव टू डू इज़ क्लाउडी के साथ हमें जाना होगा, ठीक है। हम क्लाउडी यूज़ करेंगे एंड हमारा जो यहाँ पे वेदर है वो क्लाउडी हो चुका है, बट हम मर भी चुके हैं, ओ माय गॉड। बट कोई नहीं, हमें अनलिमिटेड हेल्थ की चिट अप्लाई करनी थी बट हम भूल गए, कोई नहीं। हमें ओके, हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा वेदर मिल गया है तो हमें ज़रूरत है नहीं। ऑल तो यहाँ पे हमारी सुपर जंप के साथ में हम यहाँ पे जो है जंप कर पा रहे हैं, यानी कि हमें एक ही चीट को बार बार यूज़ करने की नीड नहीं है। हम सुपर जंप के साथ में और गर्ल्स मैग्नेट भी काम कर रहा है, हमारे पास में बहुत सारी लड़के आ रही है। एंड उसके अलावा यहाँ पे सुपर पंच भी काम कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हो कि हम सुपर पंच मार के भी हम उस चीज़ को यूज़ में ले पा रहे हैं, यानी कि एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और यार सुपर जंप का तो अलग ही मज़ा है। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि है कि आप अपने फ़ोन के अंदर कीबोर्ड को एक्टिव करने के बाद में उसको डिसेबल कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्विच द मेन कीबोर्ड टू डेफिनेटिव एडिशन कीबोर्ड बिफोर प्लेइंग द गेम। तो यहाँ पे आप स्विच के बटन पर क्लिक करोगे और अपने यहाँ पे जो है सैन एंड्रियास वाले जो है चिट कीबोर्ड को हटा के और अपने जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसको यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप जो भी चीज़ टाइप करते हो अपने फ़ोन के अंदर तो वो जो चीज़ रहेगी वो आप इसी वाले कीबोर्ड के अंदर खुलेगी डेफिनेटिव एडिशन के अंदर, जो कि आप नहीं चाहोगे। तो आप जैसे ही गेम बंद कर देते हो अपना, उसके बाद में आप अपने जो है जी बोर्ड या फिर जो नॉर्मल वाला कीबोर्ड है उसके अंदर शिफ्ट कर लीजिएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप नहीं करते हो तो आपके फ़ोन के अंदर यही कीबोर्ड शो करता रहेगा बार बार एंड यू मे बी फ्रस्ट्रेटेड, राइट गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन ऑफ कोर्स मिलेगा ही, और साथ में मैं और भी GTA San Andreas और GTA 3 की वीडियोस भी अब इन फ्यूचर लाने वाला हूँ। तो GTA 3 के यूज़र्स आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जो GTA Vice City San Andreas खेलते हैं और ऑफलाइन एंड्रॉइड गेम्स के अंदर भी इंटरेस्टेड है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू चेक आउट द चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।